पहले से था अब सवाल यह है कि ईडी ने काम क्या किया है एक स्वतंत्र एजेंसी है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है न उसे हम रोकते हैं न उसे हम भेजते हैं उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना होगा हम इसमें हमारा सीधा संबंध हम आना ही देना नहीं चाहते अब देख के क्या हुआ हमने ईडी के पास करीब सात हजार केसेस है सेवन थाउजेंड उसमें से पोलिटिशियन से जुड़े हुए केस में मात्र थ्री परसेंट से भी कम है सेवन थाउजेंड मैटर्स उसमें पोलिटिशियन से जुड़े हुए थ्री परसेंट से भी कम दूसरा अब देखिए जब उनका समय था उनके यहां पांच दस साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ पैंतीस लाख था हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब बाईस सौ करोड़ है टू थाउजेंड टू हंड्रेड करोड़ रुपीज मतलब की एजेंसी की ऑपरेशन भी लीक नहीं हो रहे ताकि ये सारी चीजें पकड़ी जाती है और आप देखिए नोटों के ढेर पकड़े जा रहे हैं इवन वॉशिंग मशीन में पैसे रखे हुए मिल रहे हैं। घरों में जो पाइप होती है लगता है पाइप पानी की है तोड़ते हैं तो पता चलता है अंदर नोटों की गड्डियां हैं। बिस्तर पे नोटों की गड्डियां हैं कांग्रेस के एक एम के यहां से तीन करोड़ रुपया मिला है। बंगाल में मंत्रियों के घरों से रुपयों के ढेर मिले हैं अब ये दिखता है तो क्या देश की जनता ये सब चीज़ें सहन करने को तैयार हैं मैं मानता हूँ नहीं है देश की जनता कहती है बीमारी जानी चाहिए इनकी घाटी कमाई का पैसा है हमने बंगाल में करीब तीन हजार करोड़ रुपया अटैच किया हुआ है वो पैसे किसके हैं किसी को कहा तुम्हें क्लार्क की नौकरी मिलेगी इतना पैसा दो किसी को कहा तुम्हें प्राइमरी टीचर बनाएंगे इतना पैसा दो किसी को कहा तुम्हें ड्राइवर बनाएंगे इतना पैसा दो ये जो पैसे हैं वो है तो मैं अभी लीगल एडवाइज दे रहा हूं कि क्या ये जिनके पैसे गए हैं जिन गरीबों के वो मैं वापस दिलवा सकता हूं तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूं वैसे हमने इसके पहले जो पकड़े थे उसमें से करीब सेवनटीन थाउजेंड करोड़ रुपए हम वापस दे चुके हैं ऑलरेडी ऑलरेडी जिनके हक के थे और जो पता है ट्रेल है कि भाई इसका ही पैसा है उसको वापिस दिया हमने यानी ईडी के पैसे जब उसको वापिस मिलते हैं तो लोग ईडी को जय जयकार कर रहे हैं आजकल